मैं हूँ विनायक गोस्वामी। आपका चैनल पीजी ऑल इन वन में आपका स्वागत है। तो आपके इस चैनल को और बढ़ाने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और खूब सारा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले और कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं थोड़ा काम में आज थोड़ा विलेज एरिया में जाना हूँ, तो मेरा एक भाई के साथ, तो उनके कार में जा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाते वक्त जिस एरिया में जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, चारों तरफ हरियाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ वो एरिया शेयर करूँ। हाँ, और एक चीज़, गवर्नमेंट ने इस एरिया को ग्रीन वैली करके डिक्लेयर कर चुका है। अब देखेंगे तो आप जानेंगे, मिडिल में रास्ता है और चारों तरफ हरियाली है, देखने से कुछ अलग ही फील होता है। अब देखिए और अब जानिए। तो अभी मैं चलता हूँ और मिलते हैं गाड़ी में। और हाँ, ये वीडियो आज शूटिंग हो रहा है, आज सैटरडे है, आपको ये संडे मिल जाएगा वो वीडियो को। तो एडिटिंग होते होते संडे हो जाएगा, क्योंकि मुझे आते आते रात हो जाएगा आज। तो मिलते हैं और बातें नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि मेरा लेट हो रहा है। तो हम लोग रवाना हो चुके हैं और विलेज एरिया आ चुका है। ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ आपको सिर्फ चारों तरफ खेत। नेचुरल एयर है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, ये पैरों से आ रहा है, पूरा ओरिजिनल ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे सब। और हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलता है इसमें तो धूल धुएं इतने कुछ मिला होता है यार। विलेजों का वातावरण ही बहुत बढ़िया होता है। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके टाउन, हमारे टाउन में जो ठंडा है इससे यहाँ पे ठंडा ज़्यादा लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, नेचुरल है। हम लोग का एक्चुअली जो ठंडा, ओरिजिनली जो ठंडा है, वो ठंडा आपको जहाँ, अगर आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होंगी, तो आपको वो ओरिजिनल ठंडा मिलेगा। मगर हमको क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग के चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग ही है टाउन में। वाह वाह वाह, देखिए कितनी हरियाली है, सिर्फ देखिए, आप हरियाली को देखिए। अब जिस तरफ देखेंगे इस तरफ ही सिर्फ हरियाली देखेंगे। ये देखिए, पहाड़ दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा, इसको भुवन कहते हैं, भुवन पहाड़ दिखाई दे रहा है। शिवरात्रि के दिन लोग उस पहाड़ पे चढ़ते हैं, चढ़ के यहाँ एक शिव मंदिर है, उनको जल अर्पण करते हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, मंदिर इतनी ऊंचाई पे नहीं है। तीन चार घंटा लग जाता है पैदल उठने में उसमें।
देखिए ना, बढ़िया एटमॉस्फेयर है भाई, क्या बताएं। ये जो हम लोग अभी जा रहे हैं इसका नाम है पालोंग घाट। और ये एक्चुअली पड़ता है पालोंग घाट और अमड़ा घाट, जो टाउन है, जो विलेज है, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये सब। और टाउन से तक 35 दिखाऊंगा कितना सुंदर लगता है। गाड़ी चल रहा है ना, इसलिए आपको ज़्यादा शायद ट्रेवलिंग में इतना समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी जगह जाके हम लोग रुकते हैं तो रुकने से आपको दिखाऊंगा मैं, तब बहुत बढ़िया लग रहा है भाई मेरे। आप तो वीडियो में देख रहे हैं, मैं खुले आँख से देख रहा हूँ, मीन्स खुले आँख में दिखने का मज़ा ही कुछ अलग लग रहा है भाई। बहुत सालों बाद मैं कुछ इस तरह का नज़ारा देख रहा हूँ, बहुत सालों बाद। बचपन में शायद पिकनिक विकनिक जाते वक्त हमने देखा था। देखिए ना कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। इतना बड़ा बड़ा पेड़ अभी दिखाई नहीं देता है, पेड़ तो विलुप्त हो गया है पूरा। अभी अभी फिर से लोगों ने स्टार्ट किया है पेड़ लगाना, बहुत लोगों लगा रहे हैं। देखिए देखिए सामने जाते ये ओवर नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब पेड़ को इतना बड़ा बड़ा है भाई। आप लोग को कमेंट करके बताना है कैसा फील हो रहा है ये वीडियो देख के, आप कौन कौन जाएंगे एरिया एक्सप्लोर करने, इससे आप खुद ये एक्चुअली आपको सोनावाड़ी घाट है ना, आपका सोनाई रोड सोनावाड़ी घाट सिलचर में इस तरफ में पड़ता है, वहाँ होके सोनावाड़ी घाट क्रॉस करके जाके और थोड़ा दूर जाके बाई तरफ एक रास्ता गया है, उस तरफ से जाने से आपको मिलता है। ये पकड़ सकते हैं ये रास्ता, देखिए मंदिर भी है यहाँ पे। या अभी तो गूगल का मैप में भी आप देख सकते हैं, गूगल का मैप का हेल्प से भी मैंने तो बता दिया आपको पालोंग घाट या अमड़ा घाट, जो भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा गूगल मैप में। फिर आप गूगल मैप की हेल्प से भी आ सकते हैं, हमारा गूगल बाबा है ना,
गूगल बाबा तो हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी रहता है हम लोग का गूगल बाबा। भाई अभी थोड़ा सन के लिए लग रहा है ना। अगर आप आएंगे ना खुद, मीन्स खुद का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही बोलता है। देखिए कितना बड़ा पैर था ये वीडियो में भी, इतना बड़ा बड़ा पैर है। देखिए आपको कैसा लग रहा है एनवायरनमेंट, थोड़ा मैसेज करके बताना। आप कौन कौन जाएंगे मुझे बताना जरूर। और हाँ, इस वीडियो को जो अंत तक नहीं देखेंगे उनको बहुत लॉस होगा, मैं बोल रहा हूँ। इतना बढ़िया नेचर, ये नेचर आपको शायद मिस हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा बड़ा बेली में सब मेरे आज तक का, पता नहीं दूसरों को, मेरे आज तक का सबसे सुंदर नज़ारा आज देखा। ऐसे नज़ारा देखने के लिए लोग तरसते हैं आज के दिन पे, क्योंकि हम लोग के तो चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। दाई तरफ देखूंगा तो भी बिल्डिंग, बाई तरफ देखूंगा तो भी बिल्डिंग, सीधा देखो तो बिल्डिंग, पीछे देखो तो बिल्डिंग। तो भाई जिस काम से आया हूँ वो काम भी तो करना ज़रूरी है, तो वो काम अभी मैं थोड़ा निपटा लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। 3 hours later. गया, आके फ्रेश भी हो गया, कपड़ा भी चेंज कर लिया। तो अभी जो आज जो इस एरिया में जाने के बाद, आने के बाद मेरा अलग ही फील होता है अभी।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे वीडियो को, और इतना शेयर करें कि ये जो मैंने आज एरिया आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाया है ये पूरा इंडिया में फैल जाए। थैंक यू, बाय बाय, और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, और आप सभी अच्छे रहे, बाय बाय।